किसने कहा लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद से भी मुक्ति दिलाएगी बीजेपी? किसने असम को दिया 5 गारंटी वाला भरोसा? और कांग्रेस के वंशवाद पर किसने की चोट? इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। आज अमित शाह ने असम में 3 रैलियां की। उन्होंने मोरीगांव में कहा कि इस बार बीजेपी सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। उन्होंने काजीरंगा में घुसपैठियों के कब्जे का मुद्दा उठाया और कहा कि अब लैंड जिहाद नहीं चलेगा। कामरूप की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ मुक्त असम का एक बार फिर दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मतलब पर्यटन और बदरुद्दीन का दूसरा नाम घुसपैठ है। शाह ने लोगों को आंदोलन फ्री असम की याद भी दिलाई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने वीडियो के जरिए असम की जनता से 5 गारंटी पूरे करने का वादा किया है। बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने असम की भाषा संस्कृति पर मंडराते खतरों से लोगों को आगाह किया। उन्होंने असम के विकास का क्रेडिट कांग्रेस को दिया। असम में बीजेपी के प्रभारी बीजे पांडा ने 2 महीने से प्रदेश में डेरा डाला हुआ है। हेलीकॉप्टर के जरिए पांडा लगातार बीजेपी के चुनाव अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। उन्हें असम में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सॉलिड तैयारियां की हैं। डिब्रूगढ़ से ईवीएम को चेक कर पोलिंग सेंटरों की सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। कल असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रंजिश के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला। बीजेपी के बूथ सचिव लाल मोहन सोरेन की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि टीएमसी समर्थकों पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तमिलनाडु में कुडालोर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के वंशवाद पर बड़ी चोट की और कहा कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। इकलौती बीजेपी है जहां विकासवाद का बोलबाला है। केरल में आज धुआंधार 3 रैलियों के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो पलक्कड़ के रास्ते उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने बदले हुए अंदाज से लोगों को लुभाने की कोशिश की। पुडुचेरी में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए युवा, रोजगार, शिक्षा और मछुआरों को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता समेत कई वादे किए हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे न्याय की बात करने वाला बताया है।